हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने नॉलेज विद मी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए 17 अक्टूबर 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो आपको आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में मदद करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले, जो मैंने आपके लिए कल के प्रश्न दिया था, विच इंडियन रेसलर हैज वन द ब्रोंज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? और आपके ऑप्शन थे दिनेश फोगाट, बी मीनू कुमारी, सी अंतिम पंगाल, डी नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर था अंतिम पंगाल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिश ऑफ सेंट्रल ट्रिपलर यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दे दी है? और आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच सर्विस हैज बीन यूज्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फॉर ओपीडी रजिस्ट्रेशन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ओपीडी पंजीकरण के लिए किस सेवा का उपयोग किया गया है? और इसका और आपके ऑप्शन है हवा सेवा, बी मोबाइल ऐप, सी फिंगरप्रिंट सेंसर, डी नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है आभा सेवा। क्वेश्चन नंबर 3। विच एशियन कंट्री वर रिसेंटली हिट बाय पावरफुल अर्थक्वेक रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मोर देन 2000 लाइव्स? हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? और आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी ताइवान, सी इजराइल, डी नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4। वेयर हैज G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट बीन होल्ड? G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट वर्थ ₹118.5 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द वाटर मैनेजमेंट स्कीम? किस राज्य ने जल प्रबंधक योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना की मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विद नरेशन के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द गैंगटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल? हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेट द इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023? हाल ही में इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग मॉल फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किसने किया है? और इसका सही आंसर है नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 8। द कैबिनेट हैज अप्रूव एमओयू विद विच कंट्री ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी? कैबिनेट ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है? और इसका सही आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9। विच कंट्री हैज बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बन गया है? और इसका सही आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 10। विच 5 स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द डेट ऑफ विधानसभा इलेक्शन? हाल ही में किन 5 राज्यों ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है? और इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग। हाँ दोस्तों, आपके लिए आज का प्रश्न, रिसेंटली विच म्यूजिक डायरेक्टर हैज अवॉर्डेड द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड
फॉर 2022 एंड 23। हाल ही में किस संगीत निर्देशक को 2022 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तम सिंह, बी आर डी वर्मन, सी ए आर रहमान, डी नन्नोक दी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।